kids, this is your mentor Aparajita in your social science class with the chapter of civics, that is chapter number 26, class 6, and the chapter is local self-government in urban areas. आज क्या पढ़ेंगे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जो कि अर्बन एरियाज में है. सो हियर वी स्टार्ट. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ग्रीवेंस एंड प्रोटेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नगर निगम और नगर पालिका. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज is manifested according to the type of the area, such as municipalities, municipal corporation, cantonment board, notified area committees, town area committees, etc. अब जो local self government होती है urban areas में, वो किसके according work करती है? According to the area. Area कैसा है, फिर म्यूनसिपैलिटीज़, वहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, इन सब के हिसाब से वर्क करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. द नेचर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अ टाउन और सिटी डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सिविक फंक्शंस. और जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नेचर है, कहाँ पे? टाउन और सिटीज़ में. वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, उसके नेचर पे और एक्सटेंट ऑफ सिविक फंक्शंस पे. एट प्रेजेंट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आजकल थ्री टाइप्स हैं. कौन कौन से हैं? नगर पंचायत, नगर पालिका एंड नगर निगम. लेट्स स्टार्ट विद नगर पंचायत. A Nagar Panchayat is established for a village that has grown in size and population. Ab Nagar Panchayat kahan establish kiya jata hai? Village mein, jo ki apne size aur population mein thoda bada ho gaya hai, jo village thode bade ho gaye. Yet it is not as big as a town. Lekin इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि वो टाउन की बराबरी कर सके. टाउन के बराबर बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जो विलेजेस थोड़े बड़े हो गए हैं अपने साइज में, अपने पॉपुलेशन में, वहाँ पे नगर पंचायत स्टैब्लिश की जाती है. वेदर एन एरिया इज फिट फॉर सेटिंग अप अ नगर पंचायत इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द एरिया एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द एरिया. अब वो जगह नगर पंचायत सेट करने के लिए फिट है या नहीं, सूटेबल है या नहीं, ये डिसाइड किया जाता है किसके बेसिस पे? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ कितनी पॉपुलेशन है, फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं वो देखे जाते हैं, देन रेवेन्यू कलेक्शन, उस एरिया का रेवेन्यू कलेक्शन कितना है और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है उस एरिया की. Now comes the composition. A Nagar Panchayat is an elected body. Elected body hoti hai Nagar Panchayat. The number of members varies from place to place, which can be from 9 to 20. Ab Nagar Panchayat ke jo members hain, wo alag alag jagahon pe unke number vary karte hain, thoda different hota hai 9 se leke 20 tak. The area is divided into as many wards as members have to be elected. जितने members elect करने हैं उस हिसाब से wards में इस area को divide कर दिया जाता है. All citizens above the age of 18 years can cast votes. और जितने भी citizens 18 years से above हैं वो vote डाल सकते हैं. Any citizen above the age of 21 years can contest elections. और election में candidate भी बन सकता है. कौन? जो कि 21 ईयर्स से ऊपर है. अ नगर पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर इफ इट इज फाउंड इनकॉम्पिटेंट. अब नगर पंचायत का जो टर्म होता है, वर्किंग टर्म होता है, वो होता है 5 ईयर्स का, लेकिन उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है पहले ही अगर देखा गया कि वो इनकॉम्पिटेंट है, काम ठीक से नहीं कर रही.
Now the functions. The chief functions of a Nagar Panchayat comprise water supply, drainage, cleanliness of streets, street lights, sanitation, health, primary education, organization and management of fairs and markets, construction and maintenance of bathing ghats, parks and improvement of slums. ये सारे काम जो हैं, ये सारे functions जो हैं, वो किसके हैं? नगर पंचायत के. It also keeps different types of records such as deaths, births, etc. और अलग अलग records भी रखती है ये नगर पंचायत जो है, जैसे कि कितने birth हुए उस area में, कितने deaths हुए. Now sources of income. क्या है source of income? The two chief sources of income for a Nagar Panchayat are grants from the state government. एक तो होता है grants जो state government से मिलता है, and different types of taxes levied by a Nagar Panchayat. अलग अलग जो taxes होते हैं जो Nagar Panchayat लेती है, include octroi, taxes on houses, buildings and shops, taxes on water and drainage services, etc. इन सब चीज़ों पे जो taxes, जो tax आता है वो होता है एक source of income, और एक source of income होता है जो state government से grant मिलता है. Now comes the Nagar Palika. Nagar Palika is constituted for towns and small cities. जो towns होते हैं और जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनके लिए नगर पालिका होती है. It is known by different names such as municipality, municipal council, municipal committee, municipal board, etc. और इस नगर पालिका के अलग अलग नाम हैं. ये जो names अभी हमने पढ़े, municipality, municipal council, municipal committee, municipal board, इस नाम से भी नगर पालिका को जाना जाता है. It is a local self-governing body. Now what is the composition of this नगर पालिका? Nagar Palika is an elected body. Again, it's an elected body. The number of members of which varies from 15 to 60. Iske members 15 se leke 60 tak ho sakte hain, depending on the size of area and population. Again, size kitna hai, us area ka size jo hai aur wahan jitni population hai, uske hisab se members elect hote hain Nagar Palika mein. A citizen above the age of 25 years can contest elections. And all citizens 25 years से above जो citizen हैं वो contest कर सकता है elections में. और the citizens above the age of 18 can cast vote. Again the same thing कि 18 years से above जो हैं वो vote डाल सकते हैं, they can cast vote. The town or city is divided into as many wards as members have to be elected. इसमें भी towns or cities wards में divided होती हैं. 1/3 of the total seats are reserved for women. Women's के लिए total seat का 1/3 जो है वो reserved होता है. The members of state legislature, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. State legislature में कौन से हैं? Vidhan Sabha और Vidhan Parishad. And the members of the parliament, जिसमें कि Lok Sabha and Rajya Sabha आता है, elected from the area are the ex officio members of the Nagar Palika. Nagar Palika is elected for a term of 5 years. Nagar Palika का भी term कितना होता है? 5 years का working term. But it can be dissolved earlier if it does not function properly. लेकिन अगर इसकी functioning proper नहीं होती है तो इसे भी dissolve किया जा सकता है. In such a case, new members will have to be elected within 6 months. और अगर ये नगर पालिका dissolve की जाती है तो within 6 months ये new members elect करने पड़े. The members elect a chairperson and a vice chairperson who preside over the meetings held regularly. अब जो members हैं नगर पालिका के वो एक chairperson को elect करते हैं और एक vice chairperson को भी elect करते हैं, जो कि meetings, जो जब meetings होती हैं उसमें they are there. Chief Executive Officer. Who is Chief Executive Officer? The Chief Executive Officer is a state government officer. State government officer hota hai Chief Executive Officer, who functions as the administrative head. He executes the decisions of a Nagar Palika.
किसी भी नगर पालिका के डिसीजंस जो होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है कौन, दिस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ही इज असिस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सच एज सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, म्यूनिसिपल इंजीनियर्स, इंस्पेक्टर्स एजुकेशन एक्सेट्रा. दीज आर द पीपल, ये होते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि असिस्ट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. The functions. The functions of Nagar Palika are similar to those of Nagar Nigam discussed ahead. Now, ये जो Nagar Nigam अभी हम पढ़ेंगे, Nagar Nigam के जो functions होते हैं वही Nagar Palika के भी functions होते हैं. तो पहले हम Nagar Nigam पढ़ते हैं, then we'll come to know what are the functions of Nagar Nigam. The same Nagar Palika के भी functions होंगे. Nagar Nigam. The municipal corporation in very large cities is called Nagar Nigam. अब जो municipal corporation form होते हैं बहुत बड़ी बड़ी cities में उन्हें कहा जाता है Nagar Nigam. Such as in Delhi, Kolkata, Chennai, Ahmedabad, Kanpur, Meerut, Varanasi, Hyderabad. यहाँ पे जितने भी ये सब लार्ज cities हैं या जितने भी municipal corporation हैं उन्हें कहा जाता है Nagar Nigam. Composition. What is the composition of Nagar Nigam? A Nagar Nigam is an elected body. Again, this is also an elected body. The number of its members varies from 50 to 100. Iske kitne members hote hain? 50 se leke 100 tak. Depending on the size of population of a city. City ka population kitna hai, uske size pe depend karta hai ki kitne members honge. With some exceptions as the New Delhi Municipal Corporation has 134 members, while the Kolkata Municipal Corporation has 121 members. ये कुछ exception cases हैं जहाँ पे ये members का number exceed किया है, 100 से ऊपर गया है. The members of a Nagar Nigam are called councillors. क्या बोलते हैं Nagar Nigam के members को? Councillors. The city is divided into as many wards as members have to be elected. यहाँ भी cities divided होते हैं wards में. One member is elected from each ward. हर एक ward से एक member elect होता है. All adults above the age of 18 years can cast vote to elect councillors. I mean councillors को elect करने के लिए जितने भी लोग, जितने भी adults 18 years से above हैं वो vote डाल सकते हैं. The members elect a chairperson called Mahapaur or Mayor. And a vice chairman called उप महापौर और डेप्यूटी मेयर. अब जो मेंबर्स होते हैं नगर निगम के वो किसे इलेक्ट करते हैं? वो महापौर या मेयर को इलेक्ट करते हैं जो चेयरपर्सन होता है, और जो वाइस चेयरमैन होता है जिसे कहते हैं उप महापौर और डेप्यूटी मेयर, इनको इलेक्ट करते हैं. द मेंबर्स ऑल्सो इलेक्ट सम एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द सिटी नोन एज अल्डरमैन. जो सिटी के, उस सिटी के जो अच्छे रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं उनको भी इलेक्ट किया जाता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है और कहा जाता है एल्डरमैन. सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द पीपल ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व होती हैं. One third of the total seats are reserved for women. Women के लिए total seats का one third reserved होता है. The members of the state legislature, जिसमें कि विधान सभा एंड विधान परिषद, and the members of the parliament, लोक सभा एंड राज्य सभा, are ex officio members of the Nagar Nigam. और इनके जो members होते हैं विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा, इनके members होते हैं ex officio members of Nagar Nigam. Now we'll read about the municipal commissioner. Who is a municipal commissioner? The decisions taken by the Nagar Nigam are executed by an officer called municipal commissioner or Nagar Ayukt. Jo decisions Nagar Nigam leta hai usko execute kaun karta hai? Koi एक होता है जो एग्जीक्यूट करता है नगर निगम के डिसीजंस को, और वो ऑफिसर
जो इसे एग्जीक्यूट करता है इन नियमों को, इन डिसीजंस को नगर निगम के, उसे कहते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर या नगर आयुक्त. ही इज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है होता है. ही हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर सबॉर्डिनेट स्टाफ टू असिस्ट हिम इन हिज फंक्शंस, और उसके अपने काम में असिस्ट करने के लिए बहुत सारे दूसरे लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स होते हैं. फंक्शंस, अब फंक्शंस क्या है नगर निगम के? द फंक्शंस ऑफ नगर पालिका एंड अ नगर निगम आर सिमिलर इन नेचर. अभी हमने पीछे नगर पालिका पढ़ा था, वहाँ उसके फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो फंक्शंस नगर निगम के होते हैं वही नगर पालिका के भी होते हैं. तो बोथ नगर पालिका एंड नगर निगम्स फंक्शंस आर द सेम सिमिलर. देयर फंक्शन कैन बी डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब उनके फंक्शंस कुछ पॉइंट्स में डिवाइडेड हैं. क्या है वो? पब्लिक हाइजीन, इट इंक्लूड्स कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज, क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स, स्प्रे ऑफ मेडिसिंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स एट्सेट्रा. ये हैं कुछ पब्लिक हाइजीन के वर्क जो कि किसके द्वारा किए जाते हैं? नगर निगम और नगर पालिका. पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हाइजीन तो हो गया, उसके बाद पब्लिक की हेल्थ. डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स आर सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी विथ क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर सबॉर्डिनेट स्टाफ. सिटी के अलग अलग भागों में डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल सेटअप किए जाते हैं जिससे कि लोगों की देखभाल की जा सके, और उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स और उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ भी अपॉइंट किए जाते हैं. Provision is also made for medicines and other medical care instruments. Vaccinations and inoculations are given for prevention from diseases. अलग अलग तरह के वैक्सीन्स अवेलेबल होते हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है और जिससे कि रोगों से बचा जा सके. Action is also taken against food adulteration. A Nagar Nigam vehicle disposing waste. देखिए, नगर निगम की गाड़ी आती है जिसमें कि वो लोग सब घरों से कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाते हैं. एंड दिस इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. फाइन. नाउ वाटर, अ नगर निगम और नगर पालिका प्रोवाइड्स फॉर वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. इट आल्सो कीप्स अ वॉच ओवर वाटर पोल्यूशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. वाटर पोल्यूशन और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का भी ध्यान रखती है नगर निगम या नगर पालिका. इट लेज द नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स फॉर सप्लाई ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज, और सिटीज के अलग अलग पार्ट्स में वाटर सप्लाई के लिए वाटर पाइप्स का नेटवर्क भी ले करती है. नाउ कम्स द एजुकेशन. अ नगर पालिका और नगर निगम बिल्ड्स and maintains schools for primary education. Primary education के लिए schools build करवाती है, schools बनवाती है with all necessary provisions like teachers, और school में teachers, staff members, furniture, etc. इसका भी ध्यान रखती है. In addition, it also opens and maintains public libraries, reading rooms, museums, zoos, etc. ये सब नगर निगम या नगर पालिका के work हैं. For public education and various subjects. Now comes the public conveniences. A Nagar Nigam or Nagar Palika also provides for different types of public conveniences, such as public toilets. A public ke liye kuch facilities provide karwati hai, jaise public toilets, urinals, parks, markets, fairs, etc. Then the roads and street lights. A Nagar Nigam or Palika also constructs and maintains roads and street lights. Records. An important function of a Nagar Nigam or Nagar Palika is to maintain different types of records of the city, including births, deaths, industries, shops, etc. अब नगर निगम या नगर पालिका का एक मेन वर्क क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि वो अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है उस सिटी के, जैसे कि कितने बर्थ्स हुए, कितने डेथ्स हुए, देन इंडस्ट्रीज़ कितनी चल रही हैं, शॉप्स कितने हैं. इट ऑल्सो इश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ऐसे सर्टिफिकेट्स भी इशू करती है. मिसलेनियस फंक्शंस. अब कुछ और
थोड़े फंक्शंस कौन से हैं. अ नगर निगम और नगर पालिका हैज टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन विच मे इंक्लूड फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट. अब कुछ मिसलेनियस फंक्शंस ये भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ट्री प्लांटेशन एट्सेट्रा. Sources of income. अब इनके source of income क्या है? The chief source of income for both Nagar Nigam and Nagar Palika are taxes and grants. They also rent out property for an income. Property भी rent out करते हैं income के लिए. In addition, they can apply for a loan from the State Finance Commission for different projects. अलग अलग projects के लिए वो loan भी apply कर सकते हैं. किससे? State Finance Commissions. Fine, children? Now, grievances and protests. Kya hai? When the needs of the citizens are not met, jab citizens ki, logo ki needs puri nahi hoti hain, it is natural for them to have grievances. Akrosh unme, gussa hona zarur hota hai, kyunki जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनकी जो नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, वो पूरी नहीं होंगी, तो लोगों में गुस्सा पैदा होता है. When these needs are not met over a long period of time, the citizens may protest. और जब बहुत लंबे टाइम के लिए ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, विद्रोह करना शुरू करते हैं. The Constitution of India gives the citizens the fundamental right to express themselves in a peaceful manner. और Constitution of India जो है उसमें भी citizen को, हर citizen को का एक fundamental right है कि वो खुद को express कर सकता है, लेकिन एक peaceful manner में, शांतिपूर्वक. These protests are mostly in the form of petitions, dharnas and demonstrations. इस form में protest किया जाता है. Sometimes the protests become violent when the police force has to be used to curb the protest. और कभी कभी ये protests जो हैं ये बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, बहुत violent हो जाते हैं, जब पुलिस को भी बीच में आना पड़ता है इस protest को रोकने के लिए. State government and Nagar Nigam और Nagar Palika. The Nagar Nigam और Nagar Palika is the form of urban local self-governing body. क्या है ये? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी विच फंक्शंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स इन एन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया में सिटीजन्स के वेल बीइंग के लिए ये फॉर्म की जाती है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी. द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज इट्स कंट्रोल ओवर दीज बॉडीज इन द स्टेट. अब ये जो बॉडीज हैं इन पे कंट्रोल कौन करता है? द स्टेट गवर्नमेंट. सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली फॉर द गिवन टास्क. This control is exercised through several departments. अब ये जो control करती है state government, ये अलग अलग departments होते हैं इसके, such as State Finance Commission, Urban Development Authority, etc. It can take action against these bodies in case they do not function properly. और अगर ये local self-governing bodies जो हैं वो properly function नहीं कर रही हैं, तो वो इनके against action ले सकते हैं. It can even dissolve them. वो dissolve भी कर सकते हैं इसको. The central government keeps a watch over these bodies through state governments. और state government के through जो central government है वो इन पर watch रखता है, इन bodies पर. Fine? Now fact to know, now it is universally accepted that a municipality should be called Nagar Palika and municipal corporation should be called Nagar Nigam. अब यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि म्यूनसिपैलिटी को कहा जाता है, कहा जाएगा नगर पालिका, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा उसको कहा जाएगा नगर निगम. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव रेड, क्या पढ़ा हमने अभी तक? इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. द टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एन अर्बन एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एंड पॉपुलेशन, सच एज नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम. एन अर्बन एरिया इज डिवाइडेड इंटू एज मैनी वार्ड्स एज मैनी मेंबर्स हैव टू बी इलेक्टेड फॉर दीज लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज के लिए जितने मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं उतने ही वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है इन सिटीज को. सीट्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस.
1/3 of the total seat is reserved for the women. The functions of Nagar Nigam or Nagar Palika comprises, kya hai iske functions dono ke? Public health, public hygiene, education, construction and maintenance of roads, provision of water, public convenience, etc. The two chief sources of income for Nagar Nigam or Nagar Palika are taxes and grants from the state government. The people have grievances in case their needs and expectations are not met, which can result in protest in different forms, जो कि अलग अलग तरह से protest के रूप में सामने आता है. Now let's do the exercise here, children. Objective type question. Take the right option. Dash is constituted in a transitional area. Nagar Palika, Nagar Panchayat, Nagar Nigam. It's Nagar Panchayat. It is constituted in a transitional area. Transitional area means changing from village to town. A Nagar Nigam can be constituted in Dash area. A very large city, a very large village, a very large town. Nagar Nigam can be constituted in a very large city. Dash is a chief source of income for Nagar Nigam or Nagar Palika. In dono ke liye hi kya hai chief source of income? Taxes, grants, both of these. Dono hi chief source of income hai. So take both of these. Another name of deputy mayor is Mahapaur, Up Mahapaur, both of these. Deputy mayor ka dusra naam kya hai? Up Mahapaur. Fine? Mayor is Mahapaur and deputy mayor is Up Mahapaur. Now next is, write T for true and F for false. So ab hum karte hain kuch true false. All citizens under the age of 18 years can cast their votes. Kya citizens jo 18 years se niche hote hain wo apna vote dal sakte hain? No, this is false. So we write F here. The two chief sources of income for local self-government are taxes and grants. Yes, this is true. The number of members in all Nagar Nigams in India varies from 60 to 100 without any exception. No, this is false. Children, write down F here. The Nagar Ayukt is the chairman of the Nagar Nigam. This is also false. A local self-government has no connection with education in a town. This is also false, children. Okay? So, here we end our chapter. I hope you have understood the chapter. Stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.